जरूर पढ़ी होगी, पर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम एक स्त्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, शूनमाइट स्त्री, यानी कि शूनमिन स्त्री लिखा हुआ है, दूसरा राजा, उसका चौथा चैप्टर है। और हम इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। हम सब प्रॉफिट्स के बारे में जानते हैं, और इस स्टोरी में भी एक प्रॉफिट है। अगर आप सब जानते हैं, एलिशा, हम सब एलिशा द प्रॉफिट को जानते हैं। और इस कहानी में भी, जो कि एक सच्ची कहानी है, इसमें भी एक प्रॉफिट है, एक भविष्य वक्ता है, एलिशा। लेकिन ये स्टोरी का जो फोकस है, वो मैं इस लेडी के ऊपर लाना चाहती हूँ, इस स्त्री के ऊपर लाना चाहती हूँ। ये सिर्फ ऐसे ना सोचिए कि ये लेडीज मीटिंग का मैसेज है या लेडीज के लिए, नो नो, ये हम सबके लिए है। क्योंकि आप जब इस लेडी की कहानी सुनेंगे, हम सब इस लेडी से कुछ ना कुछ रिलेट करते हैं। हम सबकी लाइफ में ऐसी चीजें हो चुकी हैं या ऐसी बातें हो रही होंगी जब हम इस लेडी से कनेक्ट कर सकते हैं। यस, तो मैं आपको धीरे धीरे ये स्टोरी पढ़ के सुनाऊंगी, और मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी जो हम इस लेडी से सीख सकते हैं, हमारी लाइफ में लागू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, बाइबल में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ताकि हम और आप कुछ सीख सके, ताकि हम और आप अपने जीवन में वो गलतियां ना करें जो ऑलरेडी हो गई है। यस, तो हम बुद्धिमान बने, हम बुद्धि में बढ़ते चले जाए। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी, आप सब जानते होंगे, एलिशा जो भविष्य वक्ता था, वो जगह जगह पे जाता था एंड प्रचार करता था, भविष्यवाणी करता था। और जब जब वो शूनेम में आता था, तो ये स्त्री थी जो उसको अपने घर में बुलाती थी, उसको खाने पीने को देती थी, आराम करने के लिए जगह देती थी। यहाँ पर जैसे कि लिखा है, मैं दूसरा राजा उसका चौथा चैप्टर उसके 8वें वचन से पढ़ूंगी। एक दिन की बात है कि एलिशा शूनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। आप देखिए, ये लेडी जबरदस्ती विवश किया, उसको फोर्स करी कि आप आइए मेरे घर पे आके खाना खाइए। मैं जानती हूं आप में से बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के जनों को, जो परमेश्वर के लिए अपना दिल अपना घर खोलते हैं, शायद लोगों ने वो नहीं देखा होगा, लेकिन परमेश्वर ने वो चीज देखी है ना। मैं आगे पढ़ूंगी, अतः जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम बीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखे, और जब जब वह हमारे यहाँ आए, तब तब उसी में टिका टिका करे। तो यहाँ पर ये जो शूनिम शूनमिन स्त्री थी, ये क्या बोलती है कि इस इंसान को जब जब ये आएगा हमारे यहाँ, तब तब हम इसके लिए तब हम रहने का इसका इंतजाम करेंगे, इसके लिए सोने के लिए एक टेबल, कुर्सी, बेड, ये सब चीजें हम इसके लिए रेडी रखेंगे, ताकि, क्योंकि ये परमेश्वर का जन है। हम पहली चीज जो इस स्त्री की जीवन में देखते हैं, वो ये है कि परमेश्वर के लिए इसकी भूख। ये कुछ नहीं चाह रही थी उस इंसान से, ये नहीं बोल रही थी मेरे ऊपर भविष्यवाणी करो, आप इतने बड़े भविष्य वक्ता हो, या ये नहीं कह रही थी मुझे, मेरे लिए आशीष मांगो प्रभु से। ये देने का दिल रख रही थी। इसके दिल में क्या था कि ये परमेश्वर का जन है, और मेरे घर में ये रहेगा, मैं इसकी सेवा करूंगी, इसको खाना दूंगी, क्योंकि कोई रीजन नहीं है, कोई और कारण नहीं है, कुछ मतलब नहीं है उसको। मैं आगे भी आपको प्रूव करूंगी कि उसको कुछ नहीं चाहिए था उससे। वो बोलती है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का जन है, इसीलिए मैं चाहती हूं कि ये हमारे यहाँ आके रहे। आज आप और मैं, हम क्या चाहते हैं प्रभु से? जब हम प्रभु के पास जाते हैं प्रार्थना करने, जब हम प्रभु के पास करीब जाते हैं, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए, ये हम सबके लिए वचन है। आज जब हम प्रभु के करीब जाते हैं, तो हम क्या चाहते हैं प्रभु से? छोटी छोटी इच्छाएं होती है हमारे दिल में। यस, बहुत बार लिखा है कि मांगो तुम्हें दिया, बहुत बार हमें कहा गया है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। कितना अच्छा लगता है ना सुन के, मांगो तुम्हें मिलेगा।
लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताऊंगी, बिना मांगे भी आपको चीजें मिल सकती है, बिना मांगे भी आपके लिए चीजें होंगी। कैसे, कब, मैं आगे आपको एक बात बताऊंगी। और एक चीज, जो ये जो कमरा बनाने की बात कह रही थी, आप इसमें एक और चीज पे ध्यान दीजिए। एक घर में कमरा बनाने के लिए क्या चीजों की जरूरत होती है? मेहनत करने की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है। यस, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम ऐसे ना जाए परमेश्वर के पास कि धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, और आप, मैं मांगती हूँ कि मेरी ये जरूरतें हैं, हम मैं जानती हूँ आप मेरी जरूरतें पूरी करेंगे, मेरे परिवार को सुरक्षित रखेंगे, धन्यवाद, आमीन, और हम लग जाते हैं हमारे काम में दिन भर के। ये क्या हम समय दे रहे हैं परमेश्वर को? ये हमारा एफर्ट है? मेहनत, मेहनत लगनी चाहिए। जब हम परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, हमारा समय, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम उसके पास बैठे। जैसे हम देखते हैं नए नियम में भी, मरियम को धन्य कहा गया, मार्था को नहीं। धन्य क्यों कहा गया? वो अपना समय, वो सब कुछ छोड़ के वो अपना समय परमेश्वर के चरणों में बिताने के लिए तैयार थी। यही चीज ये शूनमाइट वुमन, ये जो शूनमिन स्त्री है, इसने जांच लिया था, ये परमेश्वर का जन है, इसके लिए मुझे कुछ करना है, इसके लिए मुझे कुछ देना है, इसके जीवन में मुझे कुछ बोना है। तो उसने वही किया। एक तरीके से देखा जाए तो उसने परमेश्वर के लिए अपने घर के द्वार खोले, उसने परमेश्वर के लिए एक जगह बनाई अपने घर में। तीसरी चीज जो मैं अभी आपसे बोलना चाहूंगी, मैं आगे पढ़ूंगी। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गियाई जी से कहा, उस शूनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गियाई जी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। शूनेम स्त्री के पास पूरा पूरा मौका था। आपने सुना होगा अलादीन का चिराग, कितनी बार बोलते हैं ना, जब आप कहानी सुनी होगी आपने, अगर जीनी सामने आ जाए तो 3 विशेज, आप कोई भी विश मांग सकते हैं। यस, तो रियली देखा जाए तो परमेश्वर का जन बोल रहा है, तू मांग, तुझे क्या चाहिए, तेरी तेरी तेरा नाम अगर मुझे आगे बढ़ाना है, या तुझे जो भी तेरी इच्छा है वो तू बोल एंड वो पूरी होगी। तब ये शूनमिन स्त्री क्या बोलती है, कंटेंट अपनी लाइफ में, वो बिल्कुल ही क्या बोलते, उसको सेटिस्फाइड थी, उसको कुछ नहीं चाहिए था उस जन से, उस परमेश्वर के जन से। उसने नहीं बोला हाँ चलो आज मेरी इच्छा पूरी होगी, इसने अब मुझसे पूछ लिया मुझे क्या चाहिए, परमेश्वर मुझे एक बहुत भविष्यवक्ता परमेश्वर से बोल के मुझे और भी बड़ा घर चाहिए, या मुझे ये सारी चीजें चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे शौहरत चाहिए। नो, उसने बोला मैं संतुष्ट हूं, मेरे पास जो है, मैं अपने लोगों के बीच में हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप इसमें एक चीज देखिए, क्या उस स्त्री ने, जैसे कि मैंने शुरू में बोला, क्या उस स्त्री ने उससे जाके मांगा कि मुझे ये दो? नहीं, उसने कुछ भी नहीं मांगा उससे, ना उसने इच्छा रखी, उसके बोलने पर भी तुझे कुछ चाहिए तो तू मांग, फिर भी उसने नहीं रखी ये इच्छा अपने सामने। आप जब परमेश्वर के लिए अपना द्वार खोलते हैं, आप जब परमेश्वर को समय देते हैं, परमेश्वर, लिखा है, किसी का कर्जदार नहीं है, किसी का कर्जा नहीं रखता। परमेश्वर विलफुली, परमेश्वर जबरदस्ती आपको ब्लेस करेगा। ही विल बी, वो अपने आप को किसी भी रीति से वो पूरी कोशिश करके आपको आशीष देगा बिना आपके मांगे। आप देखिए, जो एलिशा था, उसने क्या बोला, गियाई जी को बोला कि तो इसके लिए क्या किया जाए, फिर भी वो परेशान है, वो सोच रहा है कि मैं इसके लिए क्या करूं। वो लेडी को नहीं सोचने की जरूरत है कि ये मेरे लिए कुछ करे। आप जब परमेश्वर के लिए द्वार खोलते हैं, आपके लिए 10 द्वार खुलेंगे जहां लोग आके आपके लिए कुछ करेंगे, या परमेश्वर लोगों को भेजेगा आपके लिए कुछ करने के लिए, और आपको पता भी नहीं होगा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, या ये मैंने मांगा नहीं, ये मैंने अपने चित्त में, मेरे चित्त में नहीं समाई, ये मैंने सोचा नहीं, और ये मेरे लिए क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, इतनी अच्छाइयां, इतनी अच्छी चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है? क्योंकि आप जब परमेश्वर के लिए द्वार खोलेंगे, आप जब परमेश्वर को अपना समय देंगे, अपना एफर्ट देंगे,
तब परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर जानता है आपके जीवन में क्या जरूरतें हैं। हम आगे देखते हैं, इसमें लिखा है गियाई जी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा उसको बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। आप देख सकते हैं उसके लिए कितनी शॉकिंग बात थी। हो सकता है उसने हार मान ली, मैं नहीं जानती यहाँ पे कौन जन है जो इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं हुए, या आपके कोई जानने वालों में कोई ऐसा होगा। आप जान सकते, आप समझ सकते वो पीड़ा, जब सालों साल उस लेडी को पता है अब उम्र बीत चुकी है, हमें बच्चे नहीं हो सकते, अपनी आशा खो चुकी है। वो सोच भी नहीं रही है कि मैं ये चीज सोचूं, उसके दिमाग में भी नहीं हो, बोल रहा क्यों ऐसे आप मेरे से बोल रहे हो। उसको लग रहा है ये तो असंभव है, ये नहीं हो सकता। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आप सोच रहे हैं ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, इसके बारे में तो मैं कब का भूल चुकी हूं या भूल चुका हूं। दिस कैन नॉट हैपन, दिस इज इम्पॉसिबल। पर आज आप जान जाइए, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है जो कल था, जो आज है, और आने वाले कल में भी वही परमेश्वर रहेगा। जैसे कि आप देखते हैं आगे, स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। कितनी बड़ी बात है, जब परमेश्वर ने आपसे एक वादा किया, जब परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए करूंगा, तब वो उस वादे को पूरा करेगा। कभी कभी जब हम वादे को पकड़ लेते हैं, जब हमसे कोई वादा, जब हमसे कोई बोलता है परमेश्वर ने तुमसे ये वादा किया है, या परमेश्वर आपसे बात करता है, मैं तुझसे ये वादा करता हूं, मैं तेरे लिए ये करूंगा, तब कई बार हम उस वादे को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारी नजरें लोगों की तरफ होती है, हमारी नजरें लोगों पे चली जाती है कि ये वादा था तो ये इंसान है जो मेरे जीवन में है, शायद इसके द्वारा परमेश्वर पूरी करेगा, या ये इंसान पूरी करेगा, या वो व्यक्ति पूरी करेगा। जब परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मैं तेरे लिए ये करूंगा, तो परमेश्वर ही फेथफुल है। ओनली गॉड इज फेथफुल। आप इंसान पे दृष्टि रखेंगे, आप फेल हो जाएंगे। आप इस वुमन की लाइफ से, ये जो शूनेमिन स्त्री है, इसकी लाइफ से आप आगे देखेंगे कि इसकी दृष्टि कहाँ थी। बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में कि जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, परेशानी आती है, तब हम क्या करते हैं, हमारी दृष्टि यहां वहां जाने लगती है, ये हमारी मदद करेगा, वो हमारी मदद करेगा, पर नहीं, हमारी दृष्टि एक ही तरफ होनी है। एक ही जन फेथफुल है, एक ही है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी आपको नहीं छोड़ेगा। मैं किसी को भी, मैं आप सबको शायद हो सकता है इस बात से लगे कि नहीं ये कैसे हो सकता है, हो सकता है आपकी माँ हो सकता है आपकी पत्नी हो, पति हो सकता है आपके पिता हो सकता है आपके बच्चे हो, आप सोचेंगे नहीं ये तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा आपसे कोई प्यार नहीं करता, परमेश्वर से ज्यादा आपके साथ कोई फेथफुल नहीं रहेगा। आप जरूर मेरी बातों पे ध्यान दें कि परमेश्वर, मैंने अपने जीवन में जाना है, इसको महसूस किया है, जब मैं परीक्षाओं से, अलग अलग परिस्थितियों से गुजरी हूं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ खड़ा था मेरा परमेश्वर। आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब जब आपके जीवन में ऐसी संकटे, ऐसी मुसीबतें आए, तो अपनी नजरों को सिर्फ और सिर्फ उस पिता परमेश्वर पे लगा के रखें। हम आगे देखते हैं इसकी जीवन में, जैसे कि मैंने कहा कि कभी भी बाइबल आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें नहीं बताएगा, ओ परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, परमेश्वर की प्रॉमिस पूरी हो गई, द एंड, स्टोरी फिनिश, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। नहीं, आपको पूरी पूरी तरह से पूरी सच्चाई बाइबल सब चीजें बताती है, पूरी स्टोरी। अब सुनिएगा, अब कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है, कहानी में एक इम्पॉर्टेंट चीज होने वाली है। देखिए, जब लड़का बड़ा हो गया, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, अब वो लड़का बड़ा होने लगा, तब एक दिन वह अपने पिता के पास लगने वालों वालों के निकट निकल गया।
और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। परमेश्वर ने उससे एक वादा किया, उसने उस वादे को पकड़ा, उस वादे ने जन्म लिया, उस बच्चे को उसने बढ़ते हुए देखा, उस वादे को उसने बढ़ते हुए देखा, और उसी वादे को उसने अपनी हाथों में दम तोड़ते हुए देखा। दैट प्रॉमिस डाइड इन हर आर्म्स, उसकी हाथ में वो बच्चा मर गया। अगर आप और मैं उस स्त्री की जगह पे होते तो हम क्या करते? सबसे पहले हम सब अगर 1 मिनट के लिए सोचे, उस स्त्री की जगह अगर अच्छा हम होते, हमारे जरूरी नहीं है हम सिर्फ हम उस बच्चे से रिलेट करें, हो सकता है बहुत सारे वादे हो जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं, कोई दोस्ती दोस्ती हो हमारे जीवन में, कोई जॉब हो, हमारी शादी का हो, या कोई मिनिस्ट्री का वादा हो, फैमिली का वादा हो सकता है उसने जन्म लिया हो सकता है वो बड़ा एक एज तक, और फिर आपको लग रहा है आपकी नजरों के सामने वो मर गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अगर आप और मैं होते उस जगह पर तो हम क्या करते? सबसे पहले मैं हमेशा सोचती हूँ, यीशु मसीह, अगर ऐसा कुछ मेरे साथ होता मैं सबसे पहले क्या करती? मैं सबसे पहले रोती, चिल्लाती, दोष देती, मैं ढूंढती क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आता, मैं भागती सबके पास, जो भी घर में होते सबके पास जाती, देखो क्या हुआ है, क्या हुआ है, परेशान हो जाती मैं। लेकिन हम इस लेडी के जीवन से एक चीज सीखेंगे, इसने क्या किया? तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर की भक्त की खाट पर लिटा दिया, जहां पे एलिशा सोता था वहां पे जाके उसने अपने बच्चे को लिटा दिया, और निकलकर द्वार बंद किया, तब उतर गई। उसने क्या किया? अपने उसके चेहरे पे न वो रोई, न वो उसने कोई शिकन आई उसके चेहरे पे, उसने बच्चे को उठाया, एलिशा के बेड पे रखा, द्वार बंद किया, नीचे आ गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे, और मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आती हूँ। क्या उसने अपने पति से कहा हमारा बच्चा मर गया है वहां पर? क्या उस पति का कोई हाथ नहीं था? क्या वो पति रिस्पॉन्सिबल नहीं था उस बच्चे के लिए? क्या उसने उस पति से कहा कि हमारा बच्चा मर गया, आके देखो क्या हुआ है बच्चे को? नो, बिल्कुल नहीं बोला। उसने बोला, एक सर्वेंट को रेडी करो, एक एक व्यक्ति को रेडी करो, एक गधी को रेडी करो, मुझे तुरंत ही निकलना है। और पति भी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। उसने बोला, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का न विश्राम का दिन है। उसने उसने कहा, कल्याण होगा, इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, मुझे जाने दो। इस लेडी की आप स्ट्रेंथ देखिए। मैं सिर्फ जैसे कि मैंने कहा, हम सब इसकी लाइफ से कुछ सीख सकते हैं। तब उस स्त्री ने गधी पर काट बांधकर अपने सेवक से कहा, हांके चल और मेरे कहे बिना हांकने में ढिलाई न करना, यानी कि कहीं भी मत रुकना, बिल्कुल फटाफट चलो और सीधा मुझे एलिशा के पास ले जाओ। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। फाइनली वो पहुंचने वाली है, जस्ट एलिशा से मिलने वाली है। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने उसके सेवक गहजी से कहा, देख उधर तो शुनेमिन है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। उससे किसने पूछा? गियाई जी ने पूछा कि सब कुछ ठीक है तेरे घर पे, तेरा पति ठीक है, तेरा बच्चा ठीक है, सब ठीक है? उसने क्या कहा? सब कुछ ठीक है। क्यों नहीं कहा उसने गियाई जी से? अपने पति से कुछ नहीं कहा उसने, गियाई जी से कुछ नहीं कहा। कह सकती थी ना, वो रो सकती थी उसके सामने, मेरा बच्चा मर गया। गियाई जी भी तो एलिशा के साथ था, पर उसे पता था उसकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए, जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है तब हमारी दृष्टि, हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए। क्या हमारी दृष्टि होनी चाहिए लोगों पे? क्या हमारा भरोसा होना चाहिए डॉक्टरों पे? क्या हमारा भरोसा होना चाहिए वकीलों पे?
नो, हमारा दृष्टि, हमारी दृष्टि, हमारी बनावट परमेश्वर के रूप में है। हमारी दृष्टि, हमारा नजरिया होना चाहिए परमेश्वर की तरफ। हम आगे पढ़ेंगे, वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी ने उसके पास गया और उसे धक्का देकर कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। आपने देखा वो कहां जाके गिरी, वो कहां जाके, किसको जाके उसने पकड़ा? उसने सीधा उसके पास गई जो कुछ कर सकता था। वो जानती थी ये परमेश्वर का जन है, वो जानती थी ये परमेश्वर के साथ इसका रिलेशनशिप। वो उसने नहीं बताया अपने हस्बैंड को, उसको पता था हस्बैंड को बताने से कुछ नहीं होगा। उसको पता था अगर हस्बैंड को बताएगी उसका मृत बच्चा मृत ही रह जाएगा। उसको पता था अगर वो गियाईजी को बताएगी तो उसका जो मरा हुआ बच्चा वहां पड़ा है वो वैसे का वैसा रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए उसने अपनी दृष्टि सही ओर लगाई और वो सीधा किसके पास गई? एलिशा के पास गई, उसके पैरों पे गिर गई, उसके पैरों को पकड़ा और रोने लगी। तब एलिशा, तब क्या हुआ, गियाईजी ने क्या किया, उसको हटाने की कोशिश की। कई बार हमें लगता है बहुत आसान होता है, जब हमारे जीवन में कुछ आसानी से हो इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा है, जब हम परमेश्वर के पास आसानी से चले जाए। जब जब हम निश्चय करेंगे कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे, आप देखेगा कोई ना कोई आपको दूर हटाने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको धक्का देना चाहेंगे ताकि परमेश्वर से दूर करे। लेकिन वो स्त्री डटी रही, उसने उसका पैर नहीं छोड़ा। आप देखिए एलिशा ने क्या बोला आगे, क्या, तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था मुझे धोखा ना दे? एलिशा समझ गया कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ। तब एलिशा ने गियाईजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी यह छड़ी लेकर उस लड़के के मुंह पे रख दे। तब लड़के की माँ एलिशा, माँ ने एलिशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। एलिशा ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया क्या हुआ है तेरे साथ। मैं ये छड़ी देकर भेज रहा हूं अपने सेवक को, वो तेरे बेटे के मुंह पे रखेगा और तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। उस माँ का आप निश्चय देखिए, उस माँ का डिटर्मिनेशन देखिए आप। उसने क्या कहा, मैं अपनी और तेरी शपथ खाती हूं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कब तक? जब तक मेरा दिया हुआ वादा फिर से जी नहीं उठता। आज हम उस बच्चे को उस वादे की तरह ले जो परमेश्वर ने आपसे किया है। तब तक हार ना माने जब तक, अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है वो पूरी करेगा। आप डटे रहिए, बहुत जल्दी हम हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी। अगर हमें लगता है परिवार टूटता हुआ दिखता है, हम सोचते हैं यही एंड है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला शुरू में, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आगे देखते हैं यहाँ पे, तब इसीलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलिशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। आप देखें, बहुत जरूरी था एलिशा का आना और बहुत जरूरी था स्त्री का डटे रहना कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी जब तक वो बच्चा जी उठता नहीं है, जब तक जो परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है वो पूरा नहीं होता। जब एलिशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के के पर पसर गया।
तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शूनेमिन को बुला ले। जब उसने बुलाने के से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। क्या परमेश्वर ने उसका वादा पूरा किया या नहीं? यस, मैंने कहा आपसे, परमेश्वर, गॉड डजंट फेल, परमेश्वर कभी भी फेल नहीं होता है और न कभी होगा न कभी हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आप जैसे वो शूनेमिन उस स्त्री की लाइफ से अगर आप देखेंगे तो हम क्या सीख सकते हैं कि उसने अपने वायदे को पकड़ के रखा, उसने अपनी दृष्टि किसी पे नहीं लगाई, न अपने हस्बैंड पे, न गियाईजी पे, न अपने सेवकों पे, उसने किसी से नहीं बोला। अपनी प्रॉब्लम आप लोगों को ना बताएं। हमारी जैसे ही हमारे जीवन में थोड़ा भी कष्ट आता है हम फटाफट फोन करते हैं, और किस बहाने से फोन करते हैं, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आई है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे जीवन में ये समस्या आई, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। क्या आपको परमेश्वर पे विश्वास नहीं है? क्या परमेश्वर सीधा आपकी प्रार्थना नहीं सुन सकता? हम क्यों लोगों को कॉल करते हैं? आपको क्या लगता है, आपकी समस्या सुन के हो सकता है कुछ परमेश्वर के जन खड़े रहे आपके साथ प्रार्थना में? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ज्यादातर लोगों को मजा आता है, गॉसिप बन जाता है, एक मजाक, एक यू नो, एक जन से दूसरे जन, दूसरे जन से तीसरे जन। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ उस इंसान तक नहीं रहती है, 10 लोगों तक फैलती जाती है। तुम्हें पता है उसके जीवन में क्या हुआ है? उसने मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला है। पता है उसके बेटी के साथ क्या हुआ है, बेटे के साथ क्या हुआ है? आपको क्या लगता है आपकी प्रार्थना कौन सुनता है? आप क्यों लोगों के पास जाते हैं प्रार्थना कराने? क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता? क्या परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता? प्लीज इस बात को जान जाइए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, आप उसके बच्चे हैं। मेरे बच्चे को किसी और के पास जाके बोलने की जरूरत नहीं कि मेरी माँ से मुझे रोटी खानी है, मेरी माँ से बोलो मुझे रोटी चाहिए। वो सीधा मेरे पास आ सकता है। अगर मेरे बच्चे के पास कपड़े नहीं है, मेरे बच्चे को जाके किसी और से बोलने की जरूरत नहीं कि मेरी माँ को बोलना कि मेरे लिए कपड़े खरीदे, वो सीधा मेरे पास आ सकता है। हमारा रिलेशनशिप गॉड से वैसा ही है, हमें किसी के द्वारा उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। पुराने नियम की सारी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी, सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम सीधा परमेश्वर से रिश्ता बना सकते हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। कितना बड़ा दर्जा है। हमें सीधा परमेश्वर से बात करनी है, हमें सीधा परमेश्वर को बोलना है हमारी समस्या, ना कि लोगों को। जैसे आपकी लाइफ में समस्याएं, द्वार बंद कर लीजिए, घुटनों पे आइए और बोलिए, परमेश्वर ये मेरी समस्या और मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं नहीं देखता कि ये जीवित हो जाए। मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं ये नहीं देखता कि जो तूने मुझसे वादा किया है वो पूरा नहीं होता। हम परमेश्वर को देखें, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए, ना कि लोगों की ओर। मैं बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने बहुत बार लोगों के ऊपर आशा रखी है। बहुत बार मुझे लगा है ये मेरे लिए करेगा, इनसे मैं प्रार्थना करने बोलूंगी ये जरूर मेरे लिए काम होगा। यहां तक कि मैं कहूंगी आप अकेले में, आप अगर इस शूनेमाइट वुमन का देखे, वो अपने पति के पास भी नहीं गई। मैं आपसे वही कहना चाहती हूँ कि बहुत जरूरी है हम परमेश्वर से रिश्ता बनाए। हमें मांगने की जरूरत नहीं होगी, परमेश्वर जान जाएगा हमें क्या चाहिए। उसने एलिशा के पास जाकर भी ये नहीं कहा कि मेरा लड़का मर चुका है। एलिशा समझ गया, आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब आप परमेश्वर के सामने रोएंगे आपके लिए काम होगा, जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे आपके लिए काम होगा, किसी इंसान के सामने घुटने ना टेके। ओनली, केवल और केवल परमेश्वर की तरफ अपनी दृष्टि लगाए, परमेश्वर के सामने अपनी रिक्वेस्ट लाए, परमेश्वर के सामने अपनी प्रॉब्लम लाए, और वो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है। ओनली यीशु मसीह।
जैसे कि मैं जो भी चीजें बोल रही थी आज, इसका जिस्ट यही है कि परमेश्वर आज आप सबके जीवन में एक बहुत महान कार्य करने वाला है। मैंने बहुत अलग मैसेज प्रिपेयर किया था मैं अभी शेयर करने के लिए, पर परमेश्वर ने मेरे दिल में इस स्त्री की कहानी डाली और आप विश्वास करें मैंने अपना मैसेज बदला है। बिकॉज परमेश्वर आप सबसे, जो भी यहाँ मौजूद है, कुछ कहना चाह रहा था। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि वो रेडी है आपके जीवन में आने के लिए। परमेश्वर रेडी है आपके जीवन में वो प्रोमिसेस पूरी करने के लिए जो लोगों ने, यहां तक कि आपने सोची है कि मर चुकी हैं, वो प्रोमिसेस जो शायद आप भूल गए हैं, शायद आपने इतनी बार ट्राई कर लिया है कि अब आपको लगता है अब तो ये पक्का नहीं होगा। वो वादे पूरे होंगे आपके जीवन में, वो वादे जो लोग भूल चुके हैं, जो आप खुद भी भूल चुके हैं, जैसे कि मैंने कहा। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सिचुएशन में, अपनी परिस्थितियों में एक ही ओर नजर लगानी है और वो है परमेश्वर की ओर, ना कि किसी इंसान की ओर, क्योंकि सिर्फ वो है जो आपकी सब समस्याओं का हल कर सकता है। कोई नहीं, कोई भी नहीं है। मैं आपको लिख के दे रही हूं, आप जहां नजर लगाएंगे वहां आप ठोकर खाएंगे अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर जब भी आपके लिए कोई कार्य होगा वो होगा अनएक्सपेक्टेडली, जब आप सोचेंगे भी नहीं तब आपके लिए परमेश्वर करेगा, क्योंकि तब आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे होगा। शुरू से अपने भरोसे को, अपने दिल को परमेश्वर के लिए खोले, किसी इंसान के लिए ना खोले, किसी इंसान को अपनी समस्या ना बताए, सबसे पहले जाके परमेश्वर को अपनी समस्या बताए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज आज आप सबका, क्योंकि मैं जानती हूँ परमेश्वर, मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ देख रही हूँ एंड परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मुझे बोल रहा है कि इन इन लोगों के लिए इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप खो चुके हैं अपने जीवन में, और परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है मैं उसको भर के दूंगा तुझे, और उससे भी बढ़कर जो आपने सोचा नहीं वो परमेश्वर आपके लिए करने वाला है। प्लीज परमेश्वर की ओर ध्यान दे, प्लीज परमेश्वर की ओर नजर लगाए, वो कभी आपको फेल नहीं करेगा। आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना से इस मीटिंग को खत्म करें, और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब उस शूनेमाइट स्त्री की तरह, वो शूनेमिन स्त्री की तरह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर बढ़े, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ इन सब लोगों के लिए जो आज इस मीटिंग में जुड़े हैं। परमेश्वर जैसे कि मैं देख रही हूँ आप इतने सारे लोगों को मुझे दिखा रहे हैं जो आज यहाँ शामिल है इस मीटिंग में, एक उद्देश्य से आए हैं, इस एक उद्देश्य से जुड़े हैं। मैं जानती हूँ आप उनके जीवन में बहुत बहुत बड़े कार्य करने वाले हैं, जो किसी के चित्त में ना समाई, जो किसी ने सोचा भी नहीं, वो होने जा रहा है परमेश्वर बहुत जल्द, और मैं जानती हूँ आप पूरा करेंगे, आप कभी फेल नहीं होते। मैं मांगती हूँ आज जो भी लोग यहाँ पर हैं, इनके जीवनों में जो भी ऐसी प्रोमिसेस थी जो अधूरी रह गई या टूट गई या मर गई, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं मांगती हूँ आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से, कि वो सारे वादे जो आपने इनके जीवन में किया है वो पूरे होंगे, वो फिर से जीवित होगा, और लोग देखेंगे कि ये परमेश्वर के जन हैं, ये परमेश्वर के लिए खड़े हैं। मैं सबके ऊपर आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा, आपका प्रेम मांगती हूँ यीशु मसीह। इस छोटी सी विनती को आपके नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबको जय मसीह।